लीजेंड ऑफ शियानू का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली फाइनल्स का बारी आ गया और सीन चेंज होते ही हमें 14 क्लाउड प्लेटफॉर्म देखने मिला और डांसन अनाउंस करता है डोटन कॉन्फ्रेंस की फाइनल्स में एल्केमी कंपटीशन को इन 14 क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो सारे 14 एल्केमी अपने सीरियल नंबर के हिसाब से अपने अपने स्टेज पर पोजिशन ले लो और तभी सभी लोग तुरंत आके अपने पोजिशन पर खड़ा होता है। शूटंग ये चैन को देख के हंसता है और ये चैन रिएक्ट करता है, ये बंदा बहुत अजीब है। तभी डंसन सबको कहता है लास्ट डोडन के तरह इस बार भी रेसिपी और एल्केमी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो करना है खुद से करना होगा और लेवल 4 की सबसे निचली रैंक की पिल बनानी होगी और ऊपर का कोई लिमिट नहीं होने वाला है और जो सबसे ऊपर का रिफाइन करेगा वही होगा डांडो कॉन्फ्रेंस का डांडकुई यानी द वन एंड ओनली चैंपियन। सो रिफाइनिंग चालू करो। और तभी सभी लोग खुद के फायर्स को बहुत ही स्वैग से निकालता है और फर्नेस बर्न करता है, जहां स्पेशली पहले ये चैन देखने मिलता है और उसके बहुत शानदार फ्लेम द वन एंड ओनली ब्लैक फ्लेम के साथ देन शुनोयन और फिर एविल हसी के साथ शूटोंग को भी देखने मिलता है, जिनका भी फायर्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे। तभी ये चैन इंग्रेडिएंट्स निकाल के सोचता है मुझे नहीं मालूम मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट वो इंग्रेडिएंट्स फर्नेस पे डाल के कहता है कम ऑन लेवल 4 पील, यानी उसे डर है कि वो कर पाएगा कि नहीं, बट वो हार मानने वाला तो नहीं है, वो हमें पता है। तभी सीन चेंज होता है और कुछ डिसाइपल को देखने मिलता है, जहां वहां का एक बंदा कहता है देख लेना सुनो या नहीं तो शूटोंग ही इस साल का डांडकुई बनने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ उनका ही सोल अर्थ लेवल का है। तभी वहां मौजूद तीसरा बंदा कहता है शायद आज कुछ मिरेकल भी हो सकता है। तभी एल्डर झूगे और एल्डर शूपू को देखने मिलता है, जहां झूगे एल्डर शूपू को कहता है शूपू क्या वो लेवल 4 पील को रिफाइन कर पाएगा। तभी एल्डर कहता है उसका एल्केमी टैलेंट बहुत ही ऊंचा है बट उसका लेवल नहीं और 4 पैटर्न पील का जटिलता कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसका प्रोफाउंड लेवल सोल हैंडल कर पाए। तभी यूआर और बायू बातें करने लगती है और उनके फेस पे एक माइल भी है, मानो उन्हें ये चैन पर पूरा भरोसा है क्योंकि यूआर कहती है 3 सेक कंपटीशन के दौरान सबने बोला उससे ना हो पाएगा, लेकिन क्या उसने लीजेंड ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी का इनविंसिबिलिटी को नहीं तोड़ा। तभी बायू कहती है हाँ मुझे लगता है इस बार वो सबका भरम तोड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और डांसन सिटी लॉर्ड को कहता है सिटी लॉर्ड क्या आपको शूटोंग के बारे में कुछ पता चला, जहां सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ वो उस आदमी से बहुत सिमिलर है, बट अभी सिटी लॉर्ड ने नाम रिवील नहीं किया आखिर किससे सिमिलर है। तभी हैरान होकर डांसन कहता है क्या शूटोंग उसका सक्सेसर तो नहीं है। तभी सिटी लॉर्ड बोलने लगता है हालांकि वो अपने एल्केमी टेक्निक को छुपाने की बहुत करीब था, फिर भी वो उस इंसान की साया से छुटकारा नहीं पा सका, तो चलो ऑब्जर्व करते हैं शायद इस बार डोडन कॉन्फ्रेंस में बदलाव हो सकता है। और उतने में ये चैन के ऊपर वाला का फर्नेस ब्लास्ट होता है और उसके बाद फट से और भी सारे फर्नेस ब्लास्ट होता है। तभी कुछ डिसाइपल रिएक्ट करता है ब्रो एक जन के पास 3 ही मौका होगा और जिसके बाद बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाएगा। तभी सीन चेंज होता है और हैंगयो होस्ट को देखने मिलता है और उसे देख के आसपास का डिसाइपल डरे हुए रहते हैं। तभी इनजिपिंग रिएक्ट करता है अरे वाह ये पावर तो कमाल का है जो मुझे काफी एक्साइट कर रहा है, एंड वो आगे कहता है ये चैन अगर मैं अभी तुझे मार भी डालूं फिर भी सेक्ट मुझे ही प्रोटेक्ट करने वाला है। ब्रो अभी तो रिवील हो गया इसके बात सो सबसे बड़ा दुश्मन होगा ये चैन का वो इन चीपिंग ही होने वाला है, जो देखने में मजा आएगा। लेकिन उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और 4 पैटर्न पील बनाना इतना मुश्किल है कि पूरे 7 लोगों का एक साथ कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होते हुए हमें देखने को मिलता है और उसके तुरंत बाद ही लोशी भी गिव अप करती है कह के कि मैं आप और नहीं सह पाऊंगा। तभी फिर से वहां का डिसाइपल जो कॉम्पिटिशन को देख रहा है उनमें से एक बंदा रिएक्ट करता है क्या लोशी ने गिव अप किया। तभी उसे एक बंदा समझाता है कि उसे पता था अगर वो खुद को पुश भी करता है फिर भी वो फर्नेस टूटने वाला है, सो उसने पहले ही गिव अप कर दिया। और उतने में ब्लड स्प्रिट होली सोन का भी फर्नेस ब्लास्ट होता है, जहां गुस्सा होके वो कहता है डैम अगर मेरी सोल अर्थ लेवल पहुंच गया होता तो आज मैं ऐसे नहीं हारता, एंड वो प्लेटफॉर्म सोर के नीचे आता है क्योंकि
ही एक एल्कामी माहिर तब होगा जब उसका सोल लेवल इंक्रीज होगा। बट तभी लोगबाग हैरान होता है क्योंकि ब्लड स्प्रिट होली सन भी कंपटीशन से बाहर हो गया है और अभी ये चैन जिसे लोग चैनिये के नाम से जानने लगा है सिर्फ वो शुनोयान और शूटोंग के साथ अभी भी जी जान लगा के कंपटीशन पे बने हुए है। बात के लिए लोगबाग उसे शाबाशी तो देता है बट एक बात से हैरान होता है। सो वो लोग डिस्कस करते हैं क्या अभी तक रिफाइन करने के लिए सोल को प्रोफंड लेवल पहुंचना जरूरी नहीं है, अगर है तो फिर चैनिये ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी जूगे रिएक्ट करता है ये बच्चा फ्रीकिंग मॉन्स्टर है एंड प्राउड एल्डर शुपू रिएक्ट करता है ये किट अभी तक बिना रुके बिना फायरनेस फोरे यहाँ तक सरवाइव किया ये मेरी समझ से काफी दूर है। तभी वंस अगेन यूआर कहती है ये चैन आज जरूर कोई मिरेकल करके दिखाएगा, जिसमें बायू हामी भर के कहता है जरूर मैं इस बात पर पूरा यकीन करती हूँ। तभी सीन चेंज होता है जहाँ बहुत हार्ड ट्राई करते हुए ये चैन रिएक्ट करता है नहीं कर पा रहा और अगर कर भी लिया तो मेरे कंपेयर में उन दोनों का पेल बहुत ज्यादा रिफाइन होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और उतने में तीनों के बीच एक लास्ट एल्कमी पेल को आउट करती है और इतना मेहनत करके वो खुश होती है बट तब तक जब तक उसने पेल को क्लियरली नहीं देखी, क्योंकि जब वो पेल को क्लियरली देखा तो वो शॉक्ड होती है क्योंकि पहले तो वो पूरे तरह रिफाइंड पेल नहीं है और दूसरे ही मोमेंट उसकी फायरनेस तबाह होती है और फिर नीचे जाके स्टेबल होने के बाद राहत का सांस लेके कहने लगती है उफ चैनिये ये आसान नहीं है फिर भी तुम अभी भी सर्वाइव्ड हो। और तभी ये चैन सोचता है थर्ड प्लेस की लड़ाई भी बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि सिर्फ तीन जने अभी बचे हुए हैं। बट तभी वो सोचता है जीतने के लिए कैसा होगा अगर दो फोर पैटर्न पील को एक साथ रिफाइन किया जाए। उतने में ही शुनोयान पील आउट करती है जो देख के लोग बाग पागल होने लगते है क्योंकि बहुत फास्ट है और बातें करती है अरे ये तो लेवल 4 लिंगुडान है जो दिखने में सक्सेस लग रहा है और ये पील सोल को नारिश रखती है जिसके कारण ये बाकी 4 पैटर्न पील से काफी प्रीशियस मेडिसिन माना जाता है। और उतने में शुनोयान कहती है मुझे नहीं पता मैं कितना सोल को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तभी उसे 3 स्टेडी सोल मिलता है जो देख के लोग फिर से कहते हैं जैसा कि डंसन के डिसिपल से आशा किया गया बट 3 सोल यहां पे बहुत कम माना जाएगा बिकॉज़ तभी शूटोंग है और कहता है सिर्फ 3 सोल का पिल डांचन मैंने सच में तुम्हारा इस डिसाइपल के बारे में परवाह किया परंतु अब देख रहा हूं मुझे मेरी पूरा जोर लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। एंड वो कहने के बाद पूरा विलेन वाले लोग देके वो कहता है आउट और क्या तभी उसका पिल आउट होता है जो कि एक लेवल 4 का ब्लड क्विंचिंग पिल है जो देख के हैरान तो सब है बट कुछ एल्डर बातें करने लगते है कि ये तो ब्लड क्विंचिंग पिल है क्या ये मेथड बहुत पहले लॉस्ट नहीं हो गया था। तभी दूसरा एल्डर कहता है ये एक ऐसा अमृत है जो खून को भी बुझा देता है और ये ब्लड डिसाइपल सच में कोई आम एल्कमी नहीं है। तभी तीनों एल्डर एक साथ कहता है चलो देखते हैं वो कितना पील के सोल को अट्रैक्ट करते हैं जहां 1, 2, फिर 3 अपीयर होता है जो देख के तीनों बुराव कहता है अगर एक और सोल अट्रैक्ट हुआ तो शुनोयान हार गया और वही हुआ उतने में पूरा 4 सोल अट्रैक्ट होता है जिसे शुनोयान शूटोंग से मात खाती है। और तभी डंसन परेशान होके कहता है क्या शूटोंग इस बार का डन हुई है और हमारा जोगे का मानो आंखें बाहर आ गया और वो शुपू को कहता है क्या शुनोयान हार गई जहां एल्डर कहता है हाँ वो हार गया और उतने में डंसन कहता है ब्लड थर्स्टी हॉल को डन हुई बनाना क्या ही शर्म की बात है जहां सिटी लॉर्ड बहुत निराशा नजर आते हैं और डंसन फिर से कहता है डन सिटी और पिल हाउस का डिसेंडेंट्स ब्लड थर्स्टी हॉल से हार गया व्हाट ए शेम। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है शूटोंग को शुनोयान की सोल को निराशा करने देना बेहतर है और सच में शूटोंग करता भी है क्योंकि तभी शुनोयान जो 3 सोल बना के भी अभी तक कॉन्फिडेंस से खड़ी रही और वो शूटोंग से हार के कहने लगा क्या मैं सच में हार गई। तभी शूटोंग बोलता है सिर्फ हारे नहीं हो बल्कि बहुत बुरे तरह हारे हो जो सुन के शुनोयान टूट सा जाती है जहां शूटोंग रिएक्ट करता है सब एल्कमी तो हार गया ये रिजल्ट क्यों अनाउंस किया नहीं गया क्या डांस सिटी अपना कर चुकाना चाहता है। और तभी सिटी लॉर्ड और डांसन कहता है कोई जल्दबाजी ना करे डोटन अभी खत्म नहीं हुआ।
हुआ, इसीलिए लिटिल ब्रांड चैन ये अभी भी पील रिफाइन कर रहा है। इतने में शूटोंग उसे घूर के कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाएगा? क्या मजाक है। जहाँ ये चैन रिफाइन पर फोकस करता है तभी लोशी ये चैन के लिए प्रे करना शुरू करती है ताकि वो जीत जाए। देन उसके बाद झुगे एल्डर शूफू को कहता है, मैं कह रहा हूँ सच में आप आपके डिसाइपल को नहीं जानते। तभी एल्डर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी जीनिंग शुआंग ये चैन को देख के कहती है, वो टियान का चैन ये, और फिर वो ये चैन को याद करके बात को पूरा करती है कह के तुम बिल्कुल उसके तरह हो। और उसके बाद डांसेन के पीछे कुछ एंसेस्टर बातें करने लगता है, हालांकि मैं उसका हुनर का तारीफ करता हूँ लेकिन शूटोंग के 400 एट्रैक्ट पील को हराना उसकी बास का बात नहीं है। तभी सिटी लॉर्ड हैरान होता है और कहता है, ये कैसे संभव है क्योंकि ये चैन ने जो फायर ऑरा निकाला रिफाइन करने के लिए वो देखने लायक था और वो बहुत करीब था। और तभी एल्डर शूफू रिएक्ट करता है, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा और अंडर एस्टिमेट किया लेकिन तुम ये सब कर सकते हो। देन डांसन वो देख के कहता है, क्या वो डांस सिटी को बचाने वाला चेहरा बन सकता है ब्रो? लेकिन ये चैन तब तक बहुत थक गया था बट फिर भी वो पील रिफाइन करना नहीं छोड़ा। और जी जान लगा के कहता है, बस थोड़ा और। लेकिन तभी वहाँ ब्लास्ट होता है जिससे सब लोग मायूस होता है और खासकर डान एल्डर। और फिर वो लोग कहता है, डान सिटी का रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। एंड डांसन कहता है, डान एंसेस्टर और डान किंग, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तभी शूटोंग कहता है, डांसन अभी भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, किसका इंतजार है? और ये कह के शूटोंग रियलाइज करता है डांसन उसका बात नहीं सुन रहा बल्कि कुछ और तरह भी ध्यान से देख रहा है, जो देख के वो हैरान है। सो वो कहता है, आखिर वो क्या देख रहा है? और उतने में वो पीछे मुड़ के देखता है 2-4 पैटर्न पील को। एंड देन वो आगे कहता है, शुआन रैंग सोल ने 2-4 पैटर्न पील रिफाइन किया जिसके साथ उसने डान किंग लीजेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तभी मेन बात लीजंग कहता है, उसका सोल सिर्फ शुआन रैंग का है और ऊपर से एक फर्नेस, लेकिन उसने 2 फील रिफाइन किया तो उसने किस लेवल का सोल प्रेशर को झेला। तभी रोंगयांग कहता है, इट्स अमेजिंग। एंड झुके कहता है, अरे ये तो मॉन्स्टर निकला। बट एल्डर शुभू शॉक्ड है सोच के, एक फर्नेस 2 फील। लेकिन वहाँ बायू और यूआर को कोई भी हैरानी नहीं होता क्योंकि दोनों ने पहले ही कहा कुछ तो मिरेकल होने वाला है। देन फाइनली सिटी लॉर्ड कहता है, फाइनली डन सिटी को सक्सेसर मिल गया। देन सीन चेंज होता है और शूटोंग को देखने मिलता है जो सिर्फ गुस्सा होके कहता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी ये चैन कहता है, क्या 2 लेवल 4 पील शूटोंग को हरा सकता है? चा शुनोयान कहती है, नहीं, हालांकि तुमने 2 पील रिफाइन किया लेकिन तुम्हें एक को ही दिखाना पड़ेगा। तभी शूटोंग खुश होता है क्योंकि शुनोयान आगे कहती है, डोटन ग्रेड के ऊपर है ना कि पील्स के अमाउंट के ऊपर, सो 1 पील के कंपेयर्ड में तुम डर रहे हो कि तुम उससे हारोगे। तभी ये चैन दोनों पील को एक साथ करने की कोशिश करता है, ठीक है कह के, क्योंकि जीतने के लिए कोई और रास्ता बचा नहीं है। जो देखकर एल्डर एंसेस्टर रिएक्ट करते हैं, आखिर क्या वो दोनों पील को एक साथ फ्यूज करना चाह रहा है? तभी शूटोंग रिएक्ट करता है, चाहे जितना मर्जी जोड़ लगाना है लगा लो, अंत में तो जीतूंगा मैं ही। तभी ये चैन थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है क्योंकि मार्ज नहीं हो पा रहा, जो देख के एंसेस्टर कहता है, क्या वो मार्च कर पाएगा? जहाँ दूसरे एंसेस्टर कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये कभी करा नहीं और सोचा भी नहीं। तभी डांसन कहता है, गुड बॉय, तुमने इस प्लान के साथ कैसे आए हो जो आज तक ना किसी ने करा ना किसी ने सोचा। उतने में ये चैन दोनों पील को ऊपर छोड़ता है और इन एंड यंग मेथड को फिल फ्यूज करने के लिए यूज करता है जिसे आसपास बिजली कड़कने लगते हैं और ड्रैगन अपीयर होता है और वो कहता है टाइची को 2 हिस्सों में बांटा गया, इन एंड यंग, और दोनों इन एंड यंग को कॉम्बाइन किया जा सकता है एक में, जहाँ टाइची का लेफ्ट हैंड इन और राइट हैंड यंग है, और जहाँ लेफ्ट हैंड में योंग का फायर है और राइट में इन का फायर है। एंड सस्टेन यानी सतत लाइफ इन है और लॉन्गेटिविटी यानी दीर्घ आयु यंग का है। तभी वो देखे YYG कहता है, क्या हो रहा है टाइची की यूज के साथ? क्या वो नया एल्कामी टेक्निक है? देन झुगे शुफू को कहता है, ये उल्लू का पट्टा क्या कर रहा है? चा शुफू कहता है, मुझे नहीं पता। तभी सिटी लॉर्ड कहता है, गुड, टाइची
इन एंड यंग ये काफी अच्छा है और उतने में ये चैन टाई ची इन एंड यंग सस्टेन लाइफ एंड लॉन्गिविटी फ्यूज कहता है, जिसे वो मेथड को कास्ट करता है और फ्यूज होना भी चालू होता है। और वो देख के एल्डर शुभु कहता है वो ये फ्यूज हो रहा है और ये चैन तूने तो मुझे सरपास कर लिए हो। चा सिटी लॉर्ड कहता है बॉय तुमने आज एल्केमी जगत में एक नया ऊंचाई खींच दिया। उतने में पील मार्च हो गए डार्कनेस को हटा के उजाला करते हैं और वह एंसेस्टर ड्रैगन सोल अपीयर होता है, जिसे देख के हर कोई लिटरली शॉक्ड है। चा एल्डर एंसेस्टर कहता है ये तो डान एंसेस्टर ड्रैगन सोल है जो हेवन को फॉलो नहीं करता और रूल्स को भी तोड़ता है। और वो देख के शूटंग पागल होता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी जीनिंग शुआंग रिएक्ट करती है, चैन ये क्या मैं सचमुच चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आपको और देखूं। और तभी ये चैन रिएक्ट करता है क्या मैंने कर दिखाया, जहाँ डान चैन कहता है डान एंसेस्टर ड्रैगन एल्केमी इतिहास में सिर्फ एक बार अपीयर हुआ था, वो भी डांजूस एल्केमी की रिजल्ट पे। और वो तभी होता है जब कोई हेवन का खिलाफ जाता है और वो भी पील के नंबर और लेवल की परवाह किए बिना, और पील सोल इस पर निर्भर होता है कि पील हेवन के खिलाफ है कि नहीं। एंड डांजू पास्ट में पील को ड्रैगन सोल को बाहर निकाला और ड्रैगन आत्मा उन्हीं के साथ रहा उनके मृत्यु तक, और उसके बाद ड्रैगन सोल हेवन एंड अर्थ पर गायब हो गया था। और उसके बाद पीरिया उसे डान के ड्रैगन के ड्रैगन सोल के डांजू का ड्रैगन कह के पुकारा, और इस डांजू ड्रैगन सोल को यहाँ तक डान किंग भी पास्ट में अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो सोचो इसे समन करना कितना मुश्किल है। और उसके लिए डांसन ड्रैगन सोल को झुक के रिस्पेक्ट करता है कह के मैंने डांजू को देखा। और तभी बाकी एंसिस्टर एल्केमी भी बैठ के रिस्पेक्ट करता है और साथ में हमें डांजू को देखा कहते हैं। और उसके बाद एल्डर शूपू भी इस एल्केमी मिरेकल को रिस्पेक्ट करता है और एंसिस्टर को भी, और बोलता है मैंने डांजू को देखा। तभी वो देख के यूआर कहती है ग्रैंडपा झुके, क्या हमें भी घुटनों पे झुकना चाहिए। जहां सेवेज झुके कहता है वो लोग उनके एल्केमी एंसेस्टर के आगे झुक रहे हैं, तुम्हें नील होना है तो हो जाओ, मैं तो नहीं होने वाला। तभी यूआर भी लाइक हाँ ग्रैंडपा आप सही हो। और फिर सीन चेंज होता है जहां जीनिंग शोंग और उसके साथ वाला पुराव को देखने मिलता है और उनके आसपास के सभी एल्केमी नीडल होते हैं, जहां बुराव रिएक्ट करता है सेंट। और तभी जीनिंग शोंग कहती है एंड मैंने भी डाउ का कल्टिवेट किया, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो हेवन का खिलाफ जा रहा है। और वो हेवन का खिलाफ क्या है, तो सम्मानजनक होना ठीक है, लेकिन मुझे घुटने में झुकने का जरूरत क्यों है। देन वो लंबी सांस लेके कहने लगती है वुटियान का चैनिए, तुम सेकेंड पर्सन हो जो मुझे हैरान कर रहे हो, लेकिन हमें पता है जीनिंग शोंग जी आपको दो पर्सन नहीं बल्कि एक ही पर्सन हमेशा हैरान कर रहा है कि नहीं दोस्तों, जल्दी से बताओ। सीन चेंज होता है और ये चैन खुश होके बोलता है क्या मैं जीत गया, लेकिन तभी वो शॉक भी है क्योंकि तभी ड्रैगन सोल आके उसे प्लेटफॉर्म से उठा लेता है, जो देख के सिटी लॉर्ड कहता है वो इस साल का डान कोई है और उसका पील रिफाइन टेक्निक ऑलरेडी डान वांग को सरपास किया और पास्ट का डान जो के साथ भी उसे तुलना किया जा सकता है। उसका पील रिफाइनिंग टैलेंट से उसने डान ओंग को पीछे छोड़ा है एंड पास्ट का एंसेस्टर डांजू से अभी कंपेयर किया जा सकता है। एंड तभी ये चैन कल्टिवेट करना शुरू करता है, जहां सिटी लॉर्ड डान चैन को कहता है ये शुभाग्य की बात है कि आपने उसे डान सिटी के रजिस्टर्ड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया, नहीं तो शूनो या ना सिर्फ शूटोंग से हार जाती लेकिन उसके लिए भी डान सिटी को बदनामी किया चाहता। तभी डांसन बोलता है ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने उसे पहली बार देखा था, अगर वह लोशी बार बार रिक्वेस्ट नहीं करती तो मैं उसे कभी डांस सिटी का रजिस्टर्ड डिसाइपल नहीं बनाता। तभी सिटी लॉर्ड कहता है एक शुवान लेवल का सोल दो फोर लेवल पील को एक ही फर्नेस पर रिफाइन किया और उसके बाद दोनों को फ्यूज किया और उसके ऊपर से डांजू का ड्रैगन सोल को भी अट्रैक्ट किया, जो सच में बहुत बड़ी बात है। सो मैं चाहता हूँ उसके जागने के बाद उसे डान सिटी का डिसाइपल बनाया जाए। और उतने में डांसन कहता है परंतु वो ऑलरेडी किसी और सेक का डिसाइपल है, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड कहता है उसके लिए रूल चेंज हो सकता है क्योंकि शुनो यान की कॉम्पेयर्ड में मुझे लगता है वो नेक्स्ट डान सिटी का सिटी लॉर्ड बनने के लिए ज्यादा हकदार है। खैर वो एक बार जाग जाए मैं खुद उससे बात करूंगा। तभी उस दौरान ये
एलियन को कल्टीवेट करने में बहुत दिक्कत होता है, ऊपर से वहाँ बहुत सारा ऑरा घूमना शुरू होते हैं। और तभी वो रिएक्ट करता है, क्या मैं प्रोमोट हुआ? तभी वो आंखें खोल के एक बहुत बड़ा ईगल को देखता है, जिससे वो हैरान तो है ही। देन फिर वो आसपास देखता है, वहाँ उसे जंगल ही जंगल नजर आता है और चारों ओर सिर्फ पैर ही पैर। तभी वो कुछ देर चल के वो ऊपर देखता है और कहता है, हीवन और अर्थ लेवल का पावर ब्रो। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ कैसिनो सीनियर और यंग मास्टर को देखने मिलता है, जो दोनों चैन ये का फर्स्ट होने का खबर सुन के खुश है, स्पेशली यंग मास्टर। जहाँ यंग मास्टर सीनियर को बोलता है, फैमिली को मैसेज भेजो और स्पेशली फादर को और सबको कहो उटियन फैमिली से कांटेक्ट करे, ताकि हमारा रिलेशनशिप और गहरा हो जाए। भाई साहब ये चैन का तो लग गया, क्योंकि उसने उटियन फैमिली को फेमस जो कर दिया, और कैसिनो यंग मास्टर को पहले से ही फील हुआ वो स्ट्रॉन्ग है। सो उसने दोस्ती का हाथ तो पहले से ही बढ़ाया है और अभी और गहरा करने के लिए फैमिली तक जा रहे हैं। और तभी सीनियर कहता है, ओके जैसे आप कहो। और तभी सीनियर वहां से जाने ही वाला होता है, बट उतने में उसे ये चैन का बैड याद आता है। सो वो यंग मास्टर को कहता है, मुझे अभी भी आपसे कुछ रिपोर्ट के बातें शेयर करना है। चाहे यंग मास्टर बोलता है, बोलो जो कहना है जल्दी बोलो। तभी सीनियर कहता है, चैन ये ने खुद पे बैट लगाया डान क्यों जीतने के लिए, और बैट इतना इंटेंस और हाई हो गया कि उसे अभी और 5 मिलियन स्प्रिट स्टोन देना पड़ेगा हमें। जो सुन के यंग मास्टर का हालत खराब होता है और वो कहता है, क्या? और वो आगे कहता है, मैंने जो हाल ही में पैसे कमाया वो काफी नहीं होगा उसे देने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, और इस बार ये चैन के पीछे हमें ड्रैगन देखने को मिलता है, और ये चैन ड्रैगन से पूछता है, आखिर ये क्या जगह है? तभी ड्रैगन कहता है, ये तुम्हारा डिवाइन सी है। चाहे ये चैन रिएक्ट करता है, डिवाइन सी ये क्या है? और फिर हमें ये चैन का पूरा डिवाइन सी फर्स्ट टाइम के लिए देखने मिलता है, जो कि थोड़ा डार्क है और चारों तरफ बस आसमान ही आसमान, यानी क्लाउड ही क्लाउड। तभी ये चैन ड्रैगन को पूछता है, डिवाइन सी क्या है? जहाँ ड्रैगन कहता है, डिवाइन सी तुम्हारा कॉन्शियस का एक रियल्म है, जो माइंड से इवॉल्व होता है, जैसे ट्रू क्यूआई स्पिरिचुअल पावर में इवॉल्व होते हैं, और डांटियन डांसी पर इवॉल्व होता है। तभी सीन चेंज होता है और चेंगयांग सैक का फॉरबिडन एरिया देखने मिलता है, जहाँ एंसेस्टर ड्रैगन उसे, यानी वो जो क्लोन छोड़ के आया उसे कहता है, क्योंकि सब आखिर में कनेक्टेड है, और कि अगर तुम फ्यूचर में तुम्हारे प्रीमोडियल स्पिरिट को कॉन्डेंस करते हो, तो तुम्हारा प्रीमोडियल स्पिरिट तुम्हारा डिवाइन सी पर एग्जिस्ट करेगा, और फिर डिवाइन सी का प्रीमोडियल स्पिरिट कभी नहीं टूटेगा और ना ही तुम्हारा बॉडी कभी मरेगा। चाहे ये चंद ये करता है, व्हाट द फ्रीक, क्या सबके पास डिवाइन सी होता है? चाहे ड्रैगन बोलता है, तुम एक गधे हो, क्योंकि वो अल्टीमेशन लेवल पर डिपेंड करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर आपको नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो देखने में मजा आता है तो हमें रिकमेंड करना चाहता हूँ, नीचे वाले लिंक को क्लिक करो, क्योंकि वहाँ एक पे एक शानदार नॉवेल एक्सप्लेन किया हुआ है। जाओ देखो और इंजॉय करो। बाय।